हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन का। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो इसमें सीधा फार्मूला लगा दें, साइन टू ए वाला, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स बाई टू हो जाएगा। इसी तरह कॉस में भी लगा देंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन। एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो पहले मैं नीचे लिख देता हूँ एलसीएम, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, टू टेन एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन। वन में हम वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है, ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे जो है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में ये देखें वन प्लस वन दोनों प्लस के हैं तो टू, बाहर कॉमन ले लेते हैं हम डायरेक्ट, तो यहाँ वन प्लस टेन एक्स बाई टू बचेगा, डीएक्स तो है ही साथ में क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और टू इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस वन, वन प्लस बाई टू या टेन एक्स बाई टू प्लस वन एक ही बात है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी मान लेंगे, ताकि हम इसे आसानी से सोल्व कर सकें। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू में एक्स बाई टू का दोबारा से करेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा, और डी एक्स टी का डी टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह हम डी टी डायरेक्ट रख सकते हैं, और टेन एक्स बाई टू इजिकल टू डी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये टू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें टू तो है ही नहीं, या फिर टू इस नीचे मान भी सकते हैं जो नीचे अपॉन में टू है ऊपर, लेकिन हमने यहाँ पे आगे रख लिया है एक ही बात है, वहाँ से ले लें या यहाँ लगा दें। तो टू टू डी टी रख दिया हमने यहाँ पे, टू से टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन टी प्लस वन। अब टी अपॉन अपॉन टी प्लस वन का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन है एल एन टी प्लस वन, वन अपॉन एक्स की फॉर्म वाला इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये सीधा आ जाएगा एल एन टी प्लस वन प्लस सी, और टी की वैल्यू लगा देंगे टेन एक्स बाई टू प्लस वन। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।